तो आज हमारे पास आ चुकी है फायरबोल्ट की ओरेकल स्मार्ट वॉच। एंड स्मार्ट वॉच तो क्या ही बोले, इसे स्मार्ट रिस्ट फोन भी हम बोल सकते हैं। तो हाथ में पहनने के बाद क्योंकि इससे सारे मोबाइल वाले काम हो जाते हैं तो स्मार्ट रिस्ट फोन हम इसको बोल सकते हैं। एंड प्राइसिंग की बात करूं तो मात्र 5,000 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो इसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू मैं करने वाला हूं। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या ये आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। पैकेजिंग एज यूजुअल जैसा फायरबोल्ट देता है वैसी है। यहाँ पर फायरबोल्ट ओरेकल की ब्रांडिंग है, टिक्स विद फायर ओएस इसमें आपको मिलता है। यहाँ पर कुछ हाइलाइटेड फीचर्स है जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड पीछे की तरफ यहाँ पर प्राइसिंग मेंशन की गई है 24,999 रुपीज। कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले मिलता है आपको यहाँ पर एक टूल जिससे आप इसकी सिम ट्रे को बाहर निकाल सकते हो, स्ट्रैप्स, एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल वॉच को चार्ज करने के लिए एंड वॉच डायल। बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम वॉच डायल के साथ स्ट्रैप्स को कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत इजी है इसको कनेक्ट करना। जस्ट आपको यहाँ पर इसको प्लेस करना है एंड स्लाइड करना है एप्पल वॉच लाइक। एंड नेक्स्ट वाले को भी आपको ऐसे ही करना है। सिंपली मैग्नेटिक वाली साइड है ये, इसको आपको नीचे की तरफ रखना है एंड आपको स्लाइड करना है। हमारी वॉच जो है वो कनेक्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो इसको ऑन हम कर लेते हैं। तो हमारी वॉच ऑन हो चुकी है। तो बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू पे। तो ओवरऑल बॉडी पे मेटल का यूज किया गया है। फ्रंट पार्ट पे आपको 1.96 इंचेस की 320x386 हाई रिजोल्यूशन क्रिस्टल डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। राइट पार्ट में इसका फंक्शनिंग क्राउन बटन, माइक्रोफोन एंड एक बैक बटन। लेफ्ट पार्ट में इसका स्पीकर वेंट एंड सिम ट्रे। बैक पार्ट में इसके सभी सेंसर्स एंड चार्जिंग पिन। स्ट्रैप की क्वालिटी काफी ज्यादा सही है, आप लॉन्ग टर्म तक इसको यूज कर सकते हो। बकल इसका मेटल बेल्ट है। वॉच को अब हम थोड़ा सेटअप कर लेते हैं एंड सिम भी हम इसमें लगा लेते हैं क्योंकि ये 4G सिम को सपोर्ट करती है। तो सिम भी हम इसमें लगा लेते हैं। होप सो आप सिम ट्रे में सिम को बिल्कुल फिट बैठा दें। देन आपको यहाँ पर इसको रख के अंडर पुश करना है। तो सिम लगाने के बाद आपको वॉच को एक बार रिबूट करना होगा। तो यहाँ पर इस वॉच ने 4G कनेक्शन को दिखा दिया है। 4G सपोर्टेड ये वॉच है। ऊपर से नीचे करने में इसका नोटिफिकेशन बार ऑन होता है, नीचे से ऊपर करने में इसका टॉगल बार ऑन हो जाता है। एंड यहीं पे से आप वाईफाई की सेटिंग कर सकते हो, ब्लूटूथ, बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हो, म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, DND मोड, लोकेशन ट्रैकिंग सेटिंग्स का यहाँ पर ऑप्शन है, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, रीसेंट एप्स को देख सकते हो, पावर ऑन ऑफ बटन, फ्लाइट मोड लॉक कर सकते हो, डेट एंड टाइम को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड क्राउन बटन इसका वर्किंग है तो आप वॉच फेसेस क्राउन बटन से चेंज कर सकते हो। क्राउन बटन को प्रेस करने से आप इसके मेन मेन्यू में आ जाओगे। सबसे पहले मैसेजिंग डायल का यहाँ पर ऑप्शन है, कॉल लोगो कॉन्टेक्ट्स को आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो, डायल पैड, तो एक नंबर हम डायल करके देख लेते हैं। कर लेते हैं इसका स्पीकर टेस्ट। तो लाउडनेस वॉच की काफी ज्यादा सही है। यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड आप कर सकते हो, म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, डायल पैड भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एंड डिक्लाइन। तो स्पीकर की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा सही लगी, काफी लाउड स्पीकर है। अगर आप आउटडोर में इसको यूज कर रहे हो कहीं ट्रैफिक वगैरह में तो आपको इजीली इसकी आवाज आ जाएगी। कॉन्टैक्ट्स, तो यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह देख सकते हो, कॉन्टैक्ट्स वगैरह को सेव भी कर सकते हो फोन या सिम कार्ड में। तो APN सेटिंग आप कर सकते हो, वाईफाई की सेटिंग्स, ब्लूटूथ, वाईफाई हॉटस्पॉट, लोकेशन, वायरलेस अपडेट, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, स्क्रीन टाइम आउट को बड़ा घटा सकते हो कितना आपको चाहिए, GSM एनर्जी सेविंग मैनेजमेंट यानी कि पावर सेविंग, तो इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन स्मॉलर स्मॉल डिफॉल्ट चाहिए आपको, लैंग्वेज सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कोई से भी, इनपुटिंग मेथड यानी कि आप कीबोर्ड्स वगैरह को सेट कर सकते हो कौन सा कीबोर्ड आपको यहाँ पे से चाहिए, एप्लीकेशन व्यूज, मेन्यू स्टाइल का इंटरफेस आपको कैसा चाहिए वो आप यहाँ पे से सेट कर सकते हो, वॉच फेसेस को आप अंदर से भी चेंज कर सकते हो कौन सा आपको चाहिए, साउंड, तो साउंड नोटिफिकेशन साउंड को आप बढ़ा सकते हो, मीडिया साउंड को, कॉल साउंड को, रिंगटोन म्यूट कर सकते हो, आउटडोर्स को ऑन और ऑफ कर सकते हो, वाइब्रेशन अलर्ट को भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हो यहाँ पे से, डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो अपनी वॉच में, SOS कॉल का यहाँ पर ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो, पावर सेविंग मोड में भी यहाँ से डाल सकते हो, एप्लीकेशंस, तो आपके वॉच में जो भी एप्लीकेशंस चल रही हैं उनको आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो, रिबूट, फैक्ट्री रीसेट, शटडाउन, अबाउट वॉच, तो यहाँ पर से आप अपना एंड्रॉइड वगैरह मॉडल वगैरह चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एल्बम्स का, तो यहाँ पर आप अपनी फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह को रख सकते हो, म्यूजिक, यहाँ पर आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो, ब्राउजर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो आप ब्राउजिंग कर सकते हो, लाइक अगर आपको कुछ चीज सर्च करनी है तो आप वो यहाँ पे से टैप करके सर्च कर सकते हो, फाइल
एक्सप्लोरर, तो यहाँ पर आप सेव वगैरह कर सकते हो अपनी वीडियोस को। रिकॉर्डर का यहाँ पर ऑप्शन है तो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्पोर्ट मोड्स है यहाँ पर, काफी सारे आपको यहाँ पर स्पोर्ट मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। पेडोमीटर का यहाँ पर ऑप्शन है, अलार्म सेट कर सकते हो अपनी वॉच में आप। कैलकुलेटर, ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन है, प्रेशर चेक कर सकते हो। मेन्यू स्टाइल को आप यहीं से चेंज कर सकते हो जैसा आपको मेन्यू स्टाइल चाहिए। मोबाइल असिस्टेंट का यहाँ पर ऑप्शन है, तो कनेक्ट फोन, फाइंड फोन, टेक फोटो, ऐप डाउनलोड, तो इनको भी आप देख सकते हो। वीडियोस वगैरह को आप यहाँ पे से चेकआउट कर सकते हो। प्ले स्टोर इसमें आपको मिलता है, तो कोई भी गेम्स वगैरह आपको डाउनलोड करने हैं तो वो आप इसमें कर सकते हो। तो अभी मैं आपको इसमें गेम चला के भी दिखाने वाला हूँ। प्ले स्टोर में आपको लगभग सारे गेम्स यहाँ पर अवेलेबल है। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। फेसबुक वगैरह आप यहाँ से चला सकते हो। कैंडी क्रश, मिंत्रा, सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो अपनी वॉच में एंड प्ले कर सकते हो। यूट्यूब का यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप अपनी वॉच में ही यूट्यूब भी चला सकते हो। टाइमर, स्टॉपवॉच, कंपास, फेसबुक यहाँ पे यूज कर सकते हो। इवन व्हाट्सएप आप यहाँ पे चला सकते हो। स्पॉटिफाई में गाने सुन सकते हो। इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हो। उबर, फ्लिपकार्ट एंड सबवे सर्फर भी आप यहाँ पे गेम खेल सकते हो। लाइक मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। काफी जल्दी यहाँ पर गेम लोड कर लिया इसने एंड काफी चलने में स्मूथ है। टच रिस्पॉन्स भी वॉच का काफी ज्यादा सही है, एकदम इजिली टच चल रहा है। हल्का फुल्का आपको लैग यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर आप एसओसी वगैरह को चेक कर सकते हो। 1.40 गीगाहर्ट्ज़ पे ये इसका प्रोसेसर अभी चल रहा है एंड कोर्स इसमें आपको 4 हैं। सीपीयू के आप यहाँ पे से देख सकते हो। सीपीयू क्लॉक स्पीड आप इसकी चेकआउट कर सकते हो एंड जीपीयू सीपीयू वगैरह आप यहाँ पे से चेक कर सकते हो। डिवाइस, तो डिवाइस पे आप इसकी मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह को चेक कर सकते हो। सिस्टम्स वगैरह को चेक कर सकते हो। बैटरी को चेक कर सकते हो। बैटरी हेल्थ को चेक कर सकते हो। बैटरी लेवल, बैटरी सोर्स, कौन सी टेक्नोलॉजी बैटरी की है वो सब आप यहाँ पे से चेक कर सकते हो। कितनी वोल्टेज है, कितना टेम्परेचर वॉच का है, सब यहीं से चेक कर सकते हो। थर्मल में आप इसकी डिग्रीज वगैरह को चेक कर सकते हो। बैटरी, सीपीयू, जीपीयू, बोथ थंब जोन को भी चेक कर सकते हो। सेंसर्स वगैरह के बारे में आप यहाँ पे से चेक कर सकते हो। एंड अबाउट वॉच का टच रिस्पॉन्स देखा जाए तो काफी स्मूथ है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको उसमें देखने के लिए मिलता है एंड 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको उसमें देखने के लिए मिलती है। तो आउटडोर में इसकी विजिबिलिटी काफी ज्यादा सही है। 2GB की आपको उसमें रैम देखने के लिए मिलती है एंड 16GB की आपको स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि आपको 8.72GB फ्री मिलती है। बाकी आपके एंड्रॉइड एप्स वगैरह कैप्चर कर लेते हैं एंड इनबिल्ट आपको GPS का ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिलता है, तो GPS ट्रैकिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। क्वाड कोर प्रोसेसर आपको उसमें देखने के लिए मिलता है एंड अपने TWS को भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। IP67 ये वॉच रेटेड है, तो आउटडोर में आप इसको यूज कर सकते हो। इवन आप इसे 1.5 मीटर पानी में 30 मिनट्स तक भी रख सकते हो, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 700 mAh की आपको उसमें बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी ठीक है। तो अब हम इसके कुछ हेल्थ मॉनिटर्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हार्ट रेट को। 65 यहाँ पर वॉच ने शो किया। सेंसर्स वगैरह ठीक है, बट आपको ज्यादा डिपेंड वॉच के ऊपर नहीं होना है। SpO2 को भी हम चेकआउट कर लेते हैं, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन 95% यहाँ पर वॉच ने शो किया है, तो ठीक ठाक सेंसर्स आपको उसमें मिलते हैं। तो फाइनली बात करते हैं कि आपको ये रिस्ट फोन परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये मुझे ये स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा ठीक लगी। फायरबोल्ट ड्रीम से मुझे ये थोड़ा सा बेटर लगी ये स्मार्ट वॉच। एप्पल वाला लुक आपको उसमें देखने के लिए मिलता है, तो हाथ में पहनने के बाद नो डाउट काफी ज्यादा मस्त लगती है। तो आप इस स्मार्ट रिस्ट फोन में टोटली एंड्रॉइड वाले सारे एप्स को यूज कर सकते हो। इवन गेम, BGMI वगैरह सारे के सारे इसमें टोटली प्रॉपर चल जाते हैं, तो आप उनको भी एंजॉय कर सकते हो एंड आपको बार बार जेब से फोन निकालने की झंझट सारी खत्म हो जाएगी अगर आप इस स्मार्ट रिस्ट फोन को परचेस करते हो। एंड इस स्मार्ट रिस्ट फोन में मुझे थोड़ा बहुत हीटिंग इशू हुआ जब मैंने इसको हाईली यूज किया, तो इस चीज का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि ये आपके हैंड्स वगैरह को हार्म कर सकती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वॉच काफी ज्यादा सही है, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। एंड एक चीज और आप कर सकते हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स देखने के लिए। तो मैं टेक्नोमू मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।